लास्ट लेक्चर में हमने बातें करी थी कि एक मेंस प्लेयर ने चार प्रकार की मेंटालिटी से बचना चाहिए, दैट ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन, बुकी, परफेक्शनिस्ट एंड थिंक टैंक। फिर हमने बात करी कि अर्बनाइजेशन इज अ गुड थिंग बिकॉज वो आदमियों को और इंडस्ट्रियों को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, एग्लोमरेट इकोनॉमी बनाते हैं और उसके कारण बहुत सारे फायदे होते हैं। अर्बनाइजेशन इटसेल्फ वर्क्स एज अ लोकेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज क्योंकि लेबर मार्केट का पूलिंग होता है, नॉलेज स्पिल ओवर होता है, इंटरमीडिएट इनपुट का शेयरिंग होता है। और इन्हीं बातों को चलते देखते हुए पाकिस्तान और भारत के पॉलिसी मेकर्स ने भी अर्बनाइजेशन को एम्ब्रेस किया है और ऊपर यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने भी इसे एम्ब्रेस किया है। एंड देयरफॉर दे मेड द गोल कि मेक द सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। आगे हमने बात करी लेकिन कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तीन प्रकार की खामियां हैं, एम्पावरमेंट, रिसोर्स और अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, और उसे दूर करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए वो भी हमने देखा। फिर अर्बनाइजेशन का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बड़े काम करने चाहिए, जो एग्लोमरेट्स हैं उसके आप कॉरिडोर बना दो, जो विलेज हैं उन्हें रूर्बन बना दो, और सिटी को या तो स्मार्ट बनाओ या अमृत पिला दो, और उनके क्या सेलियंट फीचर हैं, क्या फायदे होंगे, क्या प्रोविजन है हमने देख लिया। उसके आगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, वो मैंने आपको सेल्फ स्टडी में दे दिया था, पावर पॉइंट के अंदर पॉइंट्स मौजूद थे। उसके बाद हमने देखा कि पॉवर्टी, गरीबी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर उसके लिए रिलेटेड क्या टारगेट्स हमको दिए गए हैं, और पॉवर्टी का एस्टिमेशन करने के लिए ये तेंदुलकर, रंगराजन और लेटेस्ट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 उसके अंदर क्या क्या प्रावधान हैं, उसके क्या बेंचमार्क है, क्या हम उसका पोटेंशियल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, उसका थीम है माइंड, सोसाइटी एंड बिहेवियर। अब नाम से ही सिद्ध है कि ये कोई चीज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। पूरे रिपोर्ट का फंडा यह है कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम चलाती है लेकिन गरीब उसका उत्साहपूर्वक लाभ क्यों नहीं उठाते, उनकी ये बिहेवियर ऐसी क्यों रहती है। तो इस पूरे मतलब जिसका यूटिलिटी कहां पर होगा, पेपर वन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, पेपर टू पॉलिसीज फॉर वीकर सेक्शन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यू, एंड जीएस पेपर फोर केस स्टडी में आपको कुछ पूछा जाए कि ये नई पॉलिसी बनाई है या स्कीम बनाई है लेकिन लोग उसको प्रोएक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी डन, तो आप इस वाले मुद्दों से उसे हैंडल कर सकते हैं। हमने सेशन शुरू होने से पहले एक सवाल आप लिख रहे थे कि ऑफन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर आइदर डू नॉट इलिसिट रिक्वायर्ड एंथुसियाज्म फ्रॉम देयर साइड और डिप्लीट फिजिकल रिसोर्सेज विदाउट यील्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट पैरामीटर शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन फेज टू अवॉइड दिस इश्यूज। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम, पॉलिसी, योजनाएं चलाती है लेकिन गरीब लोग उसका उत्साहपूर्वक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और कई बार आप ढेर सारा पैसा डालते हैं बट डिजाइन रिजल्ट नहीं मिलता, तो इस अनुसंधान में डिजाइन इंप्लीमेंटेशन में क्या करना चाहिए, और इसके सारे जवाब हमको वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 और अपने इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों से मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला बात, एक अमीर बाप है तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को कौन सी स्कूल में भेजूं, गरीब बाप ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजूं कि नहीं भेजूं, राइट। तो ये कि गरीब लोग अच्छे डिसीजन क्यों नहीं लेते, वो क्यों अपने बच्चों के भविष्य में, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर पैसा निवेश नहीं करते, क्यों गरीब लोग ये मनी लेंडर से जाके ढेर सारा पैसा बड़े ब्याज पे उधारी में ले आते हैं, क्यों गरीब लोग पैसा बचाते नहीं, राइट। फिर ये सरकार अलग अलग फाइनेंशियल इंक्लूजन की कि एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड स्कीम चलाती है तो क्यों गरीब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो क्या हम ये नहीं लगता आपको कि गरीब लोग खुद अपने दुश्मन है, देयर ओन एनिमीज बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द राइट डिसीजंस। देखते हैं डिसीजन कहां से लेते हैं हम लोग, दिमाग से। अब पता चलता है कि एक हेल्दी आदमी के दिमाग के अंदर ये जो न्यूरॉन्स है, ज्ञान तंतु, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा रहता है एक दूसरे के साथ, लेकिन गरीब जो आदमी है तो उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस के चलते कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और उसके कारण उसके आप न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट देखें तो वो सामान्य व्यक्ति से कम रहता है। वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु के गन्ना किसानों पे एक प्रयोग किया कि हार्वेस्ट से पहले उनका आईक्यू टेस्ट किया और हार्वेस्ट के बाद उनका आईक्यू टेस्ट किया, तो पता चला कि हार्वेस्ट के बाद उनके आईक्यू में 10 पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों? स्वाभाविक है, हार्वेस्ट के बाद उन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस बेचा है, पैसा आया होगा तो स्ट्रेस लेवल कम हुआ होगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम हुआ, तो आईक्यू धीरे से अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सो हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस, कि पैसे नहीं होने, हम जो समझते हैं कि पॉवर्टी इज अ शॉर्टफॉल ऑफ मनी, दैट इज राइट, लेकिन पॉवर्टी उससे ज्यादा आगे है। पॉवर्टी इज वन टाइप ऑफ कॉग्निटिव टैक्स ऑन योर मेंटल फैकल्टी, समझते हैं। मेरे हाथ में 1,00,000 रुपए और सरकार उसमें 10% टैक्स ले ले तो मतलब जो मेरा मनी पावर था वो पहले से थोड़ा कम हो गया उस टैक्स के चलते, राइट।
सेम भी आपकी मेंटल फैकल्टी, मानसिक क्षमता है, वो भी इस गरीबी के चलते थोड़ी कम हो गई। देयरफॉर पॉवर्टी इज वन टाइप ऑफ कॉग्निटिव टैक्स। ये कॉग्निटिव टैक्स के चलते आपकी मानसिक क्षमता कम हुई, तो उसके चल कारण आपका ध्यान हमेशा प्रेजेंट पे रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्यूचर लॉन्ग विजन उस पर नहीं रहता। आपकी विजन पुअर और लिमिटेड रहती है, उसके चलते आप पूरा बड़ा चित्र नहीं देख सकते। अब इस कारण से अगर आप किसी गरीब बाप को बोले कि आप अपनी बेटी को तहसील के या जिले के अच्छे स्कूल में भर्ती कराओ क्योंकि वो पढ़ने में होशियार है और आगे उसका करियर बन सकता है, तो वो बाप क्या सोचेगा कि मुझे लड़की को स्कूल में भेजना है तो मतलब 2-3 स्कूल में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी रिसोर्सेज उसके पास कम रहते हैं। वो ये सोचेगा कि मैं ये सारे काम करूं या फिर कि अपनी साइकिल क्ला अपनी ये साइकिल रिपेयर कराऊं, कार रिपेयर कराऊं, रूफ रिपेयर कराऊं, राइट, या फिर कि अगली फसल लेने के लिए मुझे सीड्स फर्टिलाइजर फॉडर खरीदना है, उसके लिए मेरी वो प्रायोरिटी पहले है। कुछ महीनों पहले मैं बीमार था तो मेरे नेबर ने रिलेटिव ने मेरी आर्थिक सहायता की थी और अब वो बीमार है तो मुझे उसे पैसा उधारी में देना है, या फिर कि डेली फायर फाइटिंग की केरोसिन खरीदना है, रात को खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल खरीदना है। पॉइंट बीइंग, व्हेन योर मटेरियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, योर विलिंगनेस टू एक्ट इज ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, तो इसका पॉलिसी मेकर के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? गांधी जी ने बोला था कि जब भी आप कुछ करो तो याद रखना कि वो बॉटम स्टार्टर के आदमी को वो कैसे अफेक्ट करता है, राइट। सेम वे व्हेन यू आर मेकिंग पॉलिसी, तो आपने ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों का जिनको साल में एक या दो बार ही पैसा मिलता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? ये किसान लोग, ठीक, फसल से पहले और फसल के बाद उनका आईक्यू लेवल और प्रायोरिटीज अलग रहती है। तो मतलब अगर आप किसी फार्मर को ये बोले कि बच्चे को स्कूल में भेजना है या फिर कि हमने ये नई स्वच्छ भारत स्कीम शुरू की है जिसके अंदर आप थोड़ा पैसा दीजिए हम थोड़ा पैसा देंगे और टॉयलेट बना सकते हैं, या फिर कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, XYZ स्कीम, कि उसमें आप इतना पैसा कंट्रीब्यूट करो और आपको इतना कवरेज मिलेगा, आप ऐसी चीजें उसे बोलो हार्वेस्ट से पहले और हार्वेस्ट के बाद, उसके पूरी प्रायोरिटी और रिस्पॉन्स अलग रहेगा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हार्वेस्ट से पहले ये अपना किसान है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसकी ये लाल डॉट्स जो आप देख रहे हैं वो उसकी सारी प्रायोरिटी है, वो सीड्स फर्टिलाइजर, बाइसिकल रिपेयरिंग, नेबर को पैसा देना है, कुकिंग ऑयल खरीदना है, वो, और बच्ची को स्कूल में भेजना है, वो उसकी प्रायोरिटी ये है, 3 ब्लू डॉट वाली, मतलब कि वो अपनी कम बैंडविड्थ फोकस कर रहा है ये इस बच्ची के शिक्षा के लिए। अब ऐसे व्यक्ति को आपने कन्विंस करना है कि भाई बच्ची को स्कूल में भेजो, क्या कर सकते हो आप? ये दोनों डिसीजन को अलग करवा दो कि हार्वेस्ट खत्म होने दो, और जब हार्वेस्ट आफ्टर हार्वेस्ट यू टेल हिम कि बच्ची को स्कूल में भेजो और उससे उसका भविष्य सब सुधर सकता है, राइट। तो वो अपनी ज्यादा बैंडविड्थ उस डिसीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है दैट यू सेपरेट द डिसीजन फ्रॉम हिज लो प्रायोरिटी बैंडविड्थ। दूसरा ये कर सकते हैं कि नहीं, तब तक हम रोक नहीं सकते, अभी स्कूल में बच्ची को भेजना है, तो आप उसे ऐसा कोई प्रयोजन दो कि भाई तुम जाके, तुम बच्ची को अगर स्कूल में भेजोगे देन वी विल एवरी 2 मंथ्स वी विल गिव यू कंडीशनल कैश ट्रांसफर। अब अगर ऐसा किया तो वो अपनी ज्यादा बैंडविड्थ वो बच्ची के एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा, राइट। सो यहां पर आप क्या करें कि आप पॉलिसी को उसकी बैंडविड्थ के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो बच्ची को स्कूल में भेजे। वी कैन यूज द सेम एनालॉजी, अगर कोई गरीब महिला प्रेग्नेंट है तो आप उसे बोलेंगे कि नहीं, प्रेगनेंसी के इतने महीने हो गए तो अब आपने वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए, या फिर कि डिलीवरी के बाद इतने महीने तक आप केवल बच्चे का ख्याल रखिए, आप कंस्ट्रक्शन के काम में ना जाइए, तो वो महिला को भी उसमें कोई प्रायोरिटी इस प्रकार की होगी। सो हाउ कैन यू कन्विंस हर? अपनी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, उसमें यही फंडा है, ऐसी वर्किंग महिलाएं हैं पर्टिकुलरली पुअर वुमेन, उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया जाए कि आप रेगुलरली चेकअप कराने आओ, ये करो, तो स्वाभाविक है तब उसकी वो प्रायोरिटी हेल्थ केयर की बच्चे की बढ़ जाएगी, वो वहां पर अपनी मेंटल बैंडविड्थ फोकस करेगी। सो लाइक दैट यू हैव टू फोकस। देन जनधन योजना, अब आप जनधन में जाके उसे बोलो बंदे को कि भाई तुम मिनिमम जीरो बैलेंस में भी अकाउंट खुलेगा और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, XYZ थिंग, अगेन स्टिल उसकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं बैंक में पैसा रखूं ही क्यों, मेरे को तो ये रोज कुकिंग ऑयल खरीदना है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन तब आप उसे बताओ कि भाई अगर आपने जनधन में पैसा डाला और आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो अप टू 5,000 रुपीज आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाएगी, तो अगेन उसकी वो बैंडविड्थ यहां पर ज्यादा फोकस करेगा। सो आपने गरीब आदमी की जो सोचने की क्षमता है उस हिसाब से पॉलिसी स्कीम को ट्यून अप करना पड़ेगा। आगे बात, वर्ल्ड बैंक ने यह भी पाया कि अगर कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जहां पर कि व्यक्ति ने किसी ऑफिस में जाना है, सरकारी ऑफिस में, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करना है, सारे रूल्स डिसाइफर करने हैं कि आपका ये कंडीशन है तो इतने जेरोक्स देने हैं, XYZ,
तो वो हमेशा सोचेगा कि मेरा ट्रैवल कॉस्ट है, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और ऐसी स्कीम में प्रायः पाया जाता है कि 10% पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन इसी स्कीम को आप अगर रिवेम करके बोलो कि भाई आपने ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा लोकल ऑफिशियल आशा वर्कर पोस्टमैन आपके घर पे आके आपके अनुकूल समय पे वो सारे फॉर्म वगैरह करके आपको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड कर देगा। अगर ऐसा उसे बदल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन 10% से बढ़ के 70% हो जाता है। सो अनदर इम्प्लीकेशन इज कि प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट कि हर एक जगह पे ये फंडा सही नहीं होगा। लेट अस से यू टेल द बीपीएल वीमन कि आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में आओ और अपनी जांच कराओ तो इट विल बी बेटर, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर रहेगा तो ये ब्लड प्रेशर और वो के अलावा भी उसे कोई तकलीफ हो तो वो तुरंत डायग्नोस कर पाएगा। फिर वहां ये नहीं ठीक रहेगा कि आशा वर्कर आपके घर पे आके आपका चेकअप कर लेना। सेकंड थिंग, तो इस प्रकार की जो हाईटेक फैसिलिटी है, बेटर कि ऐसे स्कीम में उसे सेंट्रलाइज लोकेशन पे बुलाया जाए। लोकलाइज विजिट भी करा सकते हैं, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम में पहले बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट को यूज किया जाता है, तो पाया गया कि वहां करप्शन लेवल हाई था। वो बोलेगा कि भाई ये फॉर्म तो मैं आपको फिलअप कर दूं लेकिन उसके 100 रुपए मिलेंगे। और यहां तक कि आरबीआई ने पाया कि ये जो उसको माइक्रो फाइनेंस वाली लोन उसने घुमा दी, वहां से 50% एजेंट्स आर अनट्रेसेबल। तो ये भी एक फंडा है। नेक्स्ट, क्योंकि गरीब आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, देन ही हैज जीरो मार्जिन ऑफ एरर और उसे फाइनेंशियल लॉस का बहुत डर रहता है। तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोई भी स्कीम लेके जाओ, उसमें उसे ज्यादा मतलब कि रस नहीं रहता, बिकॉज हिज प्रायोरिटीज आर फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बनाई उसे उस प्रकार से डिजाइन कराना चाहिए कि उसे मतलब कि फाइनेंशियल लॉस से अवर्जन है। तो आप बोलो कि नहीं, तुम्हें कोई इस बैंक अकाउंट हमने खोल दिया, आपने एक भी पैसा नहीं डालोगे तो भी कोई चिंता नहीं, यू कैन ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट। उसी प्रकार कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में ही आपने ये प्रीमियम भरना है और आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, आपके खुद का, आपके फसल का, आपके कैटल का, राइट। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलानी चाहिए, यस, बट वहां पर कम्युनिकेशन रेसिपिएंट के हिसाब से आपने ट्यून करना चाहिए। अगर आप मुकेश अंबानी को कोई फाइनेंशियल स्कीम बेचने गए तो आप क्या बताओगे कि इस पे आपको 10% 20% 50% रिटर्न है, क्योंकि उसके दिमाग में चलेगा कि रिटर्न मुझे कितना मिलेगा। गरीब आदमी के दिमाग में क्या चलेगा, वो बातें नहीं रहेगी। तो आप इसे गरीब को बोलो कि भाई किसान पत्र, किसान विकास पत्र आप खरीद लो एंड यू विल गेट 7% रिटर्न, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन आप उसे इस प्रकार से बताओ कि तुम किसान विकास पत्र खरीदो 10,000 रुपए का और 8 साल बाद पैसे दुगने हो जाएंगे, जिसकी मदद से तुम एक नई गाय खरीद सकते हो, मे बी देन ही विल गेट कन्विंस्ड। तो उस प्रकार से कम्युनिकेशन आप ट्यून अप करिए आदमी को देख के। सो फर्स्ट सेगमेंट वॉज कि गरीबी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को कम करता है, कॉग्निटिव टेस्ट डालता है, और उस पे अगर पॉलिसी में आपको उसे लाना है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। सेकंड एस्पेक्ट, गरीबी के चलते दिमाग पे सोशल टैक्स भी लगता है। ये क्या, गरीब लोगों में आपस में सोशल ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। तो आज मेरे को जरूरत है तो मैं अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से थोड़ा पैसा उधारी में लेके आया, पैसा उधारी में लेके आया, ये शक्कर चीनी ऐसा कुछ उधारी में लेके आया, राइट। सेम वे जो उनके सोशल कस्टम है, बच्चा पैदा होने पर, मैरिज, डेथ, वहां पर एक दूसरे को गिफ्ट देने का रिवाज होता है, राइट। तो पाया गया कि ऐसे किसान जो कि अपने रिलेटिव्स को पूर्ति मात्रा में सोशल गिफ्ट नहीं देते, ये अपना मामेरू जियाणुआन वो सारी सोशल कस्टम में, तो वर्ल्ड बैंक ने पाया कि ऐसे किसानों की फसल का क्रॉप थेफ्ट एंड वैंडालिज्म, वो उनके ही जलस रिलेटिव्स वो जाके उसे खराब कर देंगे, अपना जानवर वहां पे छोड़ देंगे। सेम वे अगर एक की सारे किसान अगर वीट या राइस कल्टीवेट कर रहे हैं और एक किसान वहां पर फसल या मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल कल्टीवेट कर रहा है, तो अगेन वो बाकी के किसान उसपे ऊपर जेलस हो जाएंगे, दे विल ऑल्सो इंडल्ज इन क्रॉप थेफ्ट एंड वेंडालिज्म। तो ये पूरी क्या चीजें हैं, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल जेलसी फैक्टर। यहां तक कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर एटलीस्ट 20% गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन की जरूरत नहीं, तो भी वो जाके माइक्रो फाइनेंस की थोड़ी 5,000 10,000 की लोन लेके आते हैं भाई, ताकि जब उनके रिश्तेदार उनसे उधारी मांगने को आए तो वो बोल सके कि हमारे ऊपर तो कर्ज है और हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। एंड दिस इज मोर प्रोमिनेंट अमंग दी पुअर वीमेन, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने पाया। तो अब ये सोशल टैक्स है इस प्रकार का। पॉलिसी मेकर ने क्या ध्यान रखना चाहिए, वापस मान लो आप किसी गरीब आदमी को ये बोलो कि आप अपनी बच्ची को स्कूल में भेजो और हर 2 महीने हम आपको कंडीशनल कैश ट्रांसफर के रूप में पैसा देंगे, राइट। तो कॉग्निटिव बैंडविथ के हिसाब से हम सेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं भेजता, तो आप क्या करोगे।
हो सकता है कि उसके दिमाग में ये सोशल टैक्स वाला एस्पेक्ट हो कि मेरे को दो दो महीने पैसे मिलेंगे तो भी ये रिश्तेदार मांगने आ जाएंगे पैसे, या फिर कि पुरानी उधारी वाले की बोलेंगे कि वापस चुकता करो, तो उससे अच्छा कि बेटी को घर पे ही रखता हूं और काम कराता हूं, राइट। तो ऐसी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसे इलिक्विड ट्रांसफर करें। लिक्विड ट्रांसफर क्या होगा कि सीधा आप 2-3 हजार रुपए दे दो। इलिक्विड मतलब कि हम आपकी बच्ची की फिक्स डिपॉजिट कर देंगे 1 लाख 2 लाख की, लेकिन वो 18 साल की हो जाए और उसकी पूरी मतलब हर एक क्लास के अंदर 40% हो और वो 10वीं कक्षा तक पढ़ ले, तभी जाके वो आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हो। और फिर कम्युनिकेशन भी इस प्रकार से ट्यून अप करो कि उस वक्त आपको इतने पैसे मिलेंगे कि बेटी के ब्याह का पूरा खर्चा आपका सेटल हो जाएगा, राइट। तो लाइक दैट यू हैव टू ट्यून अप। उसी प्रकार दूसरी लिक्विड ट्रांसफर क्या हो सकती है कि सीधा पैसा देने की बजाय आप काउ बफेलो बाइसिकल ऐसा खुद दो। और तो इसमें कोई गारंटी नहीं कि सोशल टैक्स वाला फैक्टर कम हो जाएगा। आपने उसे गाय भैंस दे दी तो भी वो पड़ोसी तो आ सकते हैं कि दूध दे दो, बाइसिकल है कि हाँ मैं ये काम है मेरे को। बट दीज आर सम ऑफ द थिंग। इकोनॉमिक सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर के बाजू में कुछ गांवों में केवल एक इनफॉर्मल रूमर चला दी, अफवाह चला दी कि बैंगलोर के कॉल सेंटर वाले लड़कियों को रिक्रूट कर रहे हैं प्रोवाइडेड कि उनको इंग्लिश आता हो। ऐसे जैसे ही अफवाह फैलने तो तुरंत गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया, वो भी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना शुरू किया। तो इस प्रकार के मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का भी सहारा लिया जा सकता है। और हमेशा कोई नई स्कीम हो तो सबसे पहले कम्युनिटी या कास्ट लीडर को एनरोल करना चाहिए। मान लो आप किसानों को ये बोलना चाहते हो कि अब नई फसल की वेरायटी या सीरियल से कैश क्रॉप में जाना है, तो फर्स्ट इन्वॉल्व देयर कम्युनिटी और कास्ट लीडर। जब उन्हें मजा आएगा तो वो अपने आप वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी से नीचे ट्रिकल डाउन कर ही जाएगा। दूसरी बात, हमने अब तक बात की कि सोशल टैक्स, जलसी फैक्टर, क्रॉप थेफ्ट, वेंडालिज्म, बट ऐसा नहीं है। रूरल सोशल नेटवर्क के कुछ फायदे भी रहते हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि पियर्स हर एक किसान के उसके भाई बंधुओं ने नई क्रॉप वेराइटीज को अडॉप्ट किया, नई क्रॉपिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट किया और उसकी देखा देखी में चलो उनको लाभ हुआ तो मैं भी जुड़ जाता हूं। उस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ है। गाना के अंदर भी फार्मर लोग अपने मित्रों को पूछ के ही कि मुझे कितना फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, इसलिए वहां पर ये सॉइल कंटामिनेशन, ओवर यूज ऑफ यूरिया वो तकलीफ हम नहीं देखते। युगांडा के अंदर उन्होंने ट्राई किया, दो ग्रुप बनाए, एक केवल महिला किसानों को सिखाया कि क्रॉप कॉटन क्रॉपिंग की नई टेक्निक ये है और एक पुरुषों के ग्रुप को, तो पाया गया कि वो महिलाएं अपने गांव में गई तो उन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो ये सारे सोशल नेटवर्क के फायदे हैं। हम लोग देखते हैं हमारा टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ODF बनाना है, ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री, राइट। लेकिन प्राय ये भी देखा जाता है कि आप गांव में टॉयलेट बना दो तो भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। वाई? क्योंकि खुले में शौच में जाना उनके लिए वो कोई टैबू नहीं है। तो ये मतलब नेटवर्क और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को यूज किया जाए ताकि दिमाग में ये कि नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए वो तो गंदी बात है, देन ओनली यू कैन सक्सीड। हम लोग अब तक बात कर रहे थे कि वेलफेयर स्कीम हम चलाते हैं लेकिन गरीब वहां पर उत्साहित होकर भाग नहीं लेते हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक तो कॉग्निटिव टैक्स का एस्पेक्ट है और दूसरा सोशल टैक्स वाला एस्पेक्ट है। आगे, गरीब आदमी क्योंकि गरीब है तो स्वाभाविक है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होगा, तो वो दुनिया को देखने का उसका फ्रेम भी बहुत लिमिटेड होता है। उसका इंटरनल फ्रेम ये होता है कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, आई एम इनकम्पेटेड, डिसरेस्पेक्टेड, लाइफ में कोई चीज नहीं है। और एक्सटर्नल वो लाइफ फ्रेम को कैसे देखता है कि डे टू डे कोई ना कोई फायर फाइटिंग है, ये खर्चा, वो बीमार होगा, इसको ये करना है। तो इसके चलते वो अपना जो बड़ा पिक्चर, अच्छा पिक्चर जिंदगी में कुछ हो सकता है, ही विल नॉट सी। यहां तक कि दो स्टूडेंट्स जिनका IQ स्कीम हो वहां पर भी जो अमीर बच्चा है उसकी कैरियर एस्पिरेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू द पुअर स्टूडेंट। अमीर बच्चा ये सोचेगा मुझे IAS बनना है, गरीब ये सोचेगा कि बैंक क्लर्क भी सिलेक्शन हो गया, आई एम फाइन, इवन इफ बोथ हैव सेम IQ कैपेसिटी। तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास इंप्रूव करने के लिए भी पॉलिसी में प्रावधान होने चाहिए। आप BPL कार्ड को बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड मत बोलो, उसका नाम कर दो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड, राइट। फिर ऑफिशियल का माइंडसेट भी बदलने की आवश्यकता है। भारत के अंदर ये कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह चलती है कि आप बीमार हो गए तो प्राइवेट क्लिनिक में भी जब आपका मुफ्त इलाज कर देंगे और फिर सरकार पैसे भरपाई कर देगी, लेकिन फिर भी पाया जाता है कि ऐसे गरीब लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो उन्हें लॉन्ग टाइम तक बिठाया जाता है, लाइन में वेट करना पड़ता है। कंपाउंडर, नर्सिस ये लोग भी ज्यादा कंटेम्पचुअस, निरस्ता दिखाते हैं कि ये तो मतलब कहां से आ गया, छोड़ो इसे, दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड। तो यहां पर इन लोगों के एटीट्यूड को भी बदलने की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हम जानते हैं कि 25% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग उसे घृणा की नजर से, निरस्ता की नजर से देखते हैं, पर्सनल अटेंशन देते नहीं। सो
कोई भी स्कीम के अंदर ये भी प्रावधान होना चाहिए कि वेलफेयर में ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटाइटलमेंट दे दिए जाए, ये वर्कर्स हैं, ऑफिशियल हैं, उनका सेंसिटाइजेशन भी करना जरूरी है। डॉग फूडिंग, डॉग फूडिंग का मतलब ये है, प्राइवेट कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फर्स्ट दे विल रिक्वायर देयर एम्प्लॉइज टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट, राइट। वही कुछ हम यहां पर सोच सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम जानते थे कि मतलब मुगल सल्तनत के अंदर ताजमहल बना दिया तो फिर कारीगरों के हाथ काट दिए ताकि वो वापस निर्माण ना कर सके। रोम के राजाओं का फंडा उससे अलग था कि अगर कोई आर्किटेक्ट लेबर ने एक ब्रिज बना दिया तो फिर 6 से 8 महीने तक उसे मतलब ऑब्लाइज किया जाएगा कि उस ब्रिज के नीचे ही उसने जाके सोना है। वाई? मतलब कि अगर गड़बड़ होगा तो उसके ऊपर टूट के वो मर जाए, तो स्वाभाविक है अब उसके ऊपर कंपल्शन है कि वो ढंग से ब्रिज बनाए। थर्ड थिंग, ग्रीन पब्लिक परचेजिंग। सरकार लोगों को बोलती है कि आप जाके यूज करो एलईडी बल्ब, वो एनर्जी एफिशिएंट है और बढ़िया है, तो उससे पहले कि आप सरकारी ऑफिस में ही वो बल्ब लगाओ, आप गवर्नमेंट क्वार्टर में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके यहां जाके वो बल्ब लगाओ और पहले फाइंड करो कि करेक्ट वॉटेज कितना चाहिए कि जो पढ़ने में अपने को सुविधा रहे उस प्रकार का लाइट लेवल। केवल पैसा बचाना ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है एलईडी तरफ बचने का, राइट। तो प्राइस एंड कंफर्ट लेवल चेक करने के लिए इस प्रकार से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलो। आगे ऑफिशियल्स खुद भी इन्वॉल्व हो जाएं, अपने विजय खराड़ी साहब, उन्होंने चाहते तो बड़ी लेविश इंडिविजुअल मैरिज रिसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन मास मैरिज सेरेमनी में वो उन्होंने जाके शादी की। भाई वो बताया कि भाई इस प्रकार की करने से पैसा जो बचता है तो वी कैन यूज इट फॉर सोशल वेलफेयर फंक्शन। उसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर आर आनंद कुमार, ये कलेक्टर साहब ने अपनी बच्ची को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अब इस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट से क्या फायदा होता है? स्वाभाविक है यहाँ कलेक्टर की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो टीचर्स एब्सेंटिज्म विल बी वेरी लो और वो सबसे सभी को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगी, देन ऑल विल बेनिफिट। सेम वे यहाँ पर SDM खुद मास मैरिज सेरेमनी में जाता है तो कम्युनिटी लीडर के साथ, लोकल लीडर के साथ, लोगों के साथ एक पर्सनल रेपो बनता है, राइट। तो उसके चलते फिर आगे ऐसे ऑफिशियल अगर लोगों को कुछ बताएं कि भाई आप बच्ची को स्कूल में भेजिए या फिर कि यूरिया फर्टिलाइजर का ओवर यूज ना करें या XYZ, तो पीपल विल फॉलो हिम। तो इस प्रकार से हम एंथुजियाज्म माइंडसेट के लिए क्या करना चाहिए, तो कॉग्निटिव टैक्स एस्पेक्ट को आप फोकस में रखो, सोशल टैक्स एस्पेक्ट वो क्रॉप थेफ्ट एंड वैंडलिज्म एंड दोस फैक्टर्स उसे याद रखो। ऑफिशियल में क्या करना चाहिए, एक तो डॉग फूडिंग मतलब सरकारी स्कीम, जो भी स्कीम बना रहा है वो खुद उसका लाभ लेके सोचे कि क्या हो रहा है, और मेंटल फ्रेम वो टीचर्स का, हेल्थ वर्कर का मेंटल फ्रेम आप सुधारिए, सेंसिटाइज करिए कि गरीबों की मदद करें। तो एक अपने सवाल का पहला पिलर हमने देख लिया कि इंटरवेंशन तो हम करते हैं लेकिन उसमें गरीब लोग एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, तो इसकी ये दवाइयां हैं। नेक्स्ट एंगल, सरकार ढेर सारा पैसा भी डालती है लेकिन जितना पैसा डाला उसके सामने अपने को उतनी अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। तो यहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे पे वापस आते हैं, दो एंगल देखने की, सब्सिडीज एंड लीकेजेस। बजट के दो पार्ट होते हैं, कौन से, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट। अब रेवेन्यू के अंदर क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, पेंशन और पुलिस एक्सपेंडिचर। ये पुलिस एक्सपेंडिचर कौन से, केंद्र सरकार के वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं। अब आप पाएंगे तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी इज द सेकंड हाईएस्ट कंपोनेंट, और इधर भी इंटरनली आप देखें फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा पैसा जाता है, 1,25,000 करोड़ रुपए, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी अराउंड 73,000 करोड़ रुपीज, एंड देन पेट्रोलियम एलपीजी सब्सिडीज वहां पर 30,000 करोड़ रुपए। तो ढेर सारा मतलब की सब्सिडी में पैसा जा रहा है बट वी आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स। क्यों? इकोनॉमिक सर्वे ने एक टेबल दिया कि आप रेलवे, एलपीजी, केरोसिन, फर्टिलाइजर, कमोडिटीज, राइस, वीट, पल्सिस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सुगर, इन सभी चीजों पर सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन एवरी केस या तो कि उसमें से सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द सब्सिडी वो लीक हो जाता है या फिर ऐसे लोगों को जाता है जिसको उसकी आवश्यकता नहीं। किसानों के लिए तो उसमें रिच फार्मर्स विल बेनिफिट मोर कंपेयर टू द लोअर स्ट्रैट ऑफ द फार्मर्स। ऐसा क्यों और क्या तकलीफें हैं? इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट सब्सिडीज डिस्टॉर्ट द मार्केट। कैसे? सबसे पहले एमएसपी आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर, ये राइस, वीट, इसका गवर्नमेंट एमएसपी जल्दी जल्दी अच्छा डिक्लेयर करती है, प्रोक्योरमेंट कर लेती है,
लेकिन सामने फ्रूट्स वेजिटेबल पे ऐसा कोई एमएसपी मैकेनिज्म नहीं है, तो स्वाभाविक है फार्मर को क्या इंसेंटिव है कि मैं राइस वेजिटेबल कल्टीवेट, राइस एंड वीट कल्टीवेट करूं सिवाय की वेजिटेबल्स। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड इन्फ्लेशन। तो एक प्रकार से इसने डिस्टॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट, किसानों को एमएसपी मिल रहा है, फिर इरिगेटेड जो इरिगेशन में वाटर मिला है वहां पर भी या तो सस्ते में या मुफ्त में मिल जाता है, किसानों को इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ते में मिल जाती है। ये सब सस्ते में और क्यों मिल रहा है, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। इम्प्लीकेशन क्या हुई, क्योंकि मुफ्त में सब कुछ चीजें हैं तो किसान बहुत सारा इलेक्ट्रिक पंप सेट से, डीजल पंप सेट से पानी निकालेगा, देन वाटर टेबल विल ड्रॉप। और उसके सामने गरीब किसान जिसके पास ऐसा पंप सेट ही नहीं है या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो उसका फायदा नहीं ले पा रहा। क्रॉस सब्सिडाइजेशन, रेलवे दो प्रकार की ट्रेन चलाती है, एक तो आदमियों को ले जाने के लिए और दूसरा गुड्स फ्रेट को ले जाने के लिए। आप पाएंगे कि ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वहां पर रेलवे वाले भाड़ा एकदम चीप रखते हैं, और वो जो भी नुकसानी हो रहा है उसकी भरपाई के लिए माल सामान ले जाने के लिए गुड्स ट्रेन पे फ्रेट चार्जेस ज्यादा रखते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन की चलते मार्केट कैसे डिस्टॉर्ट होता है, क्योंकि माल सामान ले जाने वाली ट्रेनों पे भाड़ा ज्यादा है तो स्वाभाविक है उस हिसाब से महंगाई भी ज्यादा होगी, वो सारी चीजें जो ट्रेन से जा रही है। और क्योंकि महंगाई ज्यादा है तो वो सारी एमआरपी में इंक्लूड होती जाएंगी, तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस अपनी खराब होती है। उसके सामने क्योंकि ये ट्रेन से माल ले जाना महंगा है, तो लोग व्यापारी ये सोचेगी कि मैं ट्रक से ले जाता हूं वो सारा सामान, तो स्वाभाविक है ट्रक का ट्रैफिक बढ़ेगा, रोड ट्रैफिक बढ़ेगा, कंजेशन, पॉल्यूशन, एक्सीडेंट, वो सारे एंगल्स। और उसके सामने क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में आपको नुकसान हो रहा है, तो स्वाभाविक है वहां पर सैनिटेशन फैसिलिटी, दूसरी फैसिलिटी पे ट्रेन का ध्यान नहीं रहता, तो दैट इज ऑल्सो सफरिंग। और क्योंकि ये पूरा मिसमैनेजमेंट मैनेजमेंट है, तो सरकार के पास, रेलवे के पास पैसा ही नहीं है कि वो एक्सपांशन कर सके, सो यू फाइंड कंजेशन। सो दीज आर द क्रॉस सब्सिडाइजेशन इस प्रकार से नुकसान कर रहा है। आगे बात, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर पे सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, और सामने रेलवे पे ये फंडा है कि पैसेंजर को सब्सिडी देनी है तो माल सामान को ले जाने वाली ट्रेन का भाड़ा ज्यादा रहेगा। अब आप समझिए कि एक यूरिया कंपनी पे ये तो इंसेंटिव है कि मैं ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करूं, व्हाई, बिकॉज आई एम गेटिंग सब्सिडी, लेकिन उसके पास ये इंसेंटिव नहीं है कि मैं गुजरात में यूरिया प्रोड्यूस किया और उसे मैं नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि माल सामान के जरिए वो ले जाना है तो फ्रेट चार्जेस पे तो कोई सब्सिडी नहीं है। सो अगेन लाइक दैट सब्सिडीज आर क्रिएटिंग डिस्टॉर्शन। प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन वो सस्ता फर्टिलाइजर जो नॉर्थ ईस्ट और दूसरे रिमोट एरिया में जाना चाहिए, दैट पेनिट्रेशन हैज नॉट इंप्रूव। दूसरे एंगल से भी आप सोच सकते हैं कि वहां बेचना होता तो ट्रक से बेचना पड़ता, लेकिन ट्रक को कोई सब्सिडी नहीं है, वो तो प्राइवेट एजेंसी जाएगी और वो जो भी रिटेलर फर्टिलाइजर बेचेगा वो सूरे प्राइस को कंसिडर करके किसान से पैसा मांगेगा। सो ऑल दोस फैक्टर्स अल्टीमेटली द टोटल कॉस्ट ऑफ सब्सिडी, ये जो नुकसान कर रहा है उसके चलते वो पूरा इतना बड़ा हो गया है कि जो आपने बजट में प्रावधान किया उससे वो ज्यादा आपको नुकसान कर रहा है, एंड इट इज हर्टिंग दोज पीपल हु हैव लीस्ट कुशन, गरीब लोगों को। आगे बात, ठीक है, सब्सिडी के चलते ये नुकसान हो रहे हैं। दूसरा, एम्पायर्स विद इन एम्पायर्स, स्किल डेवलपमेंट की बात करो, किसानों को मदद करनी है, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट को मदद करनी है, हर एक जगह पे आप पाएंगे कि अलग अलग मंत्रालय डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं, और एक बार कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी हो गई तो इट विल सेल्फ परपेचुएट, ज्यादा ज्यादा अपने को विस्तार करती रहेगी। इट विल क्रिएट एम्पायर विद इन एम्पायर्स, इट विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ मैन मटेरियल एंड मनी रिसोर्सेज। यूपीए सरकार ने शुरुआत में थी 147 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन उनको भी ये पता चला कि डुप्लीकेशन हो रहा है और ऑप्टिमल रिजल्ट अपने को नहीं मिल रहा है, तो 2013 में ये 147 से कम करके उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया, ओनली 66 स्कीम। फिर एनडीए स्कीम के मोदी सरकार आती है, उन्होंने 6 नई स्कीम ऐड की इसके अंदर, तो कितनी हो जाएगी 72। फिर 2015 में नीति आयोग ने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी एक कमेटी बनाई कि ये 72 भी बढ़िया नहीं है, इसको और कंप्रेस करने की आवश्यकता है। शिवराज पैनल ने क्या बोला, 72 है तो उसको फ्लिप कर दो, मतलब 27 स्कीम अपने को होनी चाहिए, तो ये जो सारी समस्या है मल्टीपल स्कीम एंड डुप्लीकेशन ऑफ मैन मटेरियल रिसोर्सेज वो कम हो जाए। इसके सेलियंट फीचर देख ले, ये शिवराज पैनल के रिकमेंडेशन, उन्होंने बताया कि ये जो 72 स्कीम है उसका उल्टा कर दो, 27 स्कीम, उनमें से 10 स्कीम ऐसी होंगी जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कौन कौन सी, मनरेगा है, ओल्ड एज पेंशन है, फिर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इनके लिए जो जो स्कीम चल रही है वो केंद्र सरकार पूरा पैसा दे, ऐसी 10 स्कीम, तो 27 में से 10 गई, बची कितनी, 17 स्कीम ऐसी होंगी जहां पर 60% केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और 40% ऑर्डिनरी स्टेट। ये कौन कौन सी स्कीम की, जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को फॉरवर्ड कर रही हो,
फॉर एग्जाम्पल ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी स्कीम कौन सी, स्मार्ट सिटी, अमरूद, स्वच्छ भारत, पीएम मिड डे मील, हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और बहुत सारी, कुल मिला के ऐसी 17 स्कीमें। यहाँ पर ऑर्डिनरी स्टेट में क्या होगा, 60-40 का रेशो, लेकिन स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट हो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, वहां पर रहेगा कि केंद्र सरकार 90% कंट्रीब्यूट करे, राज्य सरकार 10%। तो ये मतलब 10+17 टोटल 27 हो गए, राइट, और बाकी की सारी क्या होगी, खत्म हो जाएंगी। बट फिर भी ऐसी अनसॉर्टेड स्कीम्स या फिर की लेफ्ट आउट स्कीम्स, कुछ कुछ राज्यों को लग सकता है कि हमें उन स्कीमों को चालू रखने की आवश्यकता है। वाई, हर एक राज्य का अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, हेल्थ प्रोफाइल, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल अलग है। तो मान लो केरला को ये लगता है कि हमारे यहाँ वृद्ध लोगों की ज्यादा संख्या है और उनके लिए वो अलग से जो हेल्थ स्कीम थी वो चालू रखनी है, लेकिन ये यहाँ 10-17 के इस लिस्ट में नहीं है, बट स्टिल वी वॉन्ट टू कंटिन्यू, सो देन दे कैन कंटिन्यू। केंद्र सरकार मैक्सिमम 50% कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी का राज्य सरकार ने पैसा डालना होगा, राइट। और यहां पर भी स्पेशल कैटेगरी वालों को फायदा, वहां 80-20 का रेशियो रहेगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। उसी प्रकार फ्लेक्सी फंड में भी पहले से ज्यादा फ्लेक्सी फंड कंपोनेंट आपको दिया जाएगा, राज्य सरकार अपने मन मुताबिक खर्चा कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, हमने कुछ बातें करी, और ये पैनल बनाया था नीति आयोग ने। तो नीति आयोग खुद क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन, इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी में देख लेना। हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पे आते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, लेकिन वहां पर गरीब लोग उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर कि सरकार ने जितने फिजिकल रिसोर्सेज डिप्लॉय करे हैं वो खत्म हो जाते हैं, बट भी डिजायर रिजल्ट अपने को नहीं मिलता। तो ऐसा होने पर क्या पैरामीटर्स करने चाहिए ताकि ये समस्या ना हो, 200 शब्दों में लिखना था, आंसर फ्रेम क्या हो सकता है। ऑब्वियसली पहले हम इंट्रो की कुछ इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, पैरा वन के अंदर कुछ बात करें, पैरा टू एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या, तीन टाइप से इंट्रोडक्शन हो सकता था, डिफाइन, गिव ओरिजिन या थ्रू स्टेटिस्टिक। अब यहां डिफाइन करने में दिक्कत है, इतने सारे टर्म्स है कि हर एक को क्या डिफाइन, तो गिव ओरिजिन एंड थ्रू स्टेटिस्टिक, ये वाली स्ट्रेटेजी बढ़िया रहेगी। ओरिजिन कैसे, ओरिजिन मतलब इस प्रकार से कि हमने ये कुछ किया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ये करने की आवश्यकता है, लाइक दैट। सर्वे ने बार बार हाईलाइट किया है कि पूरे विश्व में मंदी आने के बावजूद भी अपनी सरकार ने वेलफेयर एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसे हमने कम नहीं किया, ये हमेशा हाईलाइट करते हैं सर्वे में। तो गिव ओरिजिन में आप ये बोल सकते हैं कि डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन भारत ने अपना वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, या फिर कि ऐसा बोले कि डिस्पाइट 72 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विद दिस मैनी करोड़ ऑफ आउटले, ये सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी भारत अपने ब्रिक्स के दूसरे साथियों के सामने या फिर कि अपने ही गरीब पड़ोसियों के सामने पाता है कि HDI, हंगर, एजुकेशन, इसके जो भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स है, भारत इन दूसरे देशों की तुलना में कम है। ये हुआ अपना इंट्रोडक्शन, तो कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ ढंग से नहीं हो रहा है। देन यू स्टार्ट पैराग्राफ वन कि गरीब लोग बहुत सारी स्कीम है लेकिन वहां पर इंथ्यूजियाज्म क्यों नहीं दिखाते, वहां पर आप कुछ बात करें, कॉग्निटिव टैक्स, सोशल टैक्स, माइंडसेट ऑफ द ऑफिशियल। फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करें, वहां पर आप दूसरे सवाल का जो दूसरा फ्रेम था कि फिजिकल रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेड, तो वहां क्या करना चाहिए, सब्सिडी लीकेज वगैरह बंद कराओ, करप्शन, राइट, 72 है उसका फ्लिप करके 27 कर लो, एंड सो वो सारी चीजें। अल्टीमेटली द कंक्लूजन कि ये सारी चीजों की समरी आप दे दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े मुद्दे ऐड करें, देखते हैं। ओरिजिन तो अपना हो गया, ओरिजिन एंड स्टैटिस्टिक वाला इंट्रोडक्शन एंगल इज ओवर, नाउ वी स्टार्ट विद पैराग्राफ वन। पैराग्राफ वन में हमने बात करी थी कि गरीब लोग उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सो आप 1, 2, 3, 4 करके इनमरेट कर सकते हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए ड्यूरिंग डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड द कॉग्निटिव एंड फ्लूइड एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, और वहां पर आप क्या लिखेंगे कि भाई बैंडविड्थ को मैच करने के लिए उस हिसाब से आप बिफोर आफ्टर हार्वेस्ट वाले कुछ उदाहरण दे दे, कंडीशनल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस प्रकार से दिया जाए कि उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वो फॉलोअप करे। गरीब लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर इंकॉर्पोरेट करना है तो उनका रिस्क एवर्जन है, उस हिसाब से आपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को ट्वीक करना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, सोशल टैक्स का भी ध्यान पॉलिसी के डिजाइन में रखना चाहिए कि आप लिक्विड नहीं, थोड़ी इनलिक्विड एसेट के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो ताकि उसके
वो या रिश्तेदार सब लोग उधारी में पैसा मांगने ना आए। सेकंड, सोशल नेटवर्क का भी फायदा उठाने चाहिए कि आप कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करें, वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी कराएं। नेक्स्ट, ये सब तो कर दिया, गरीबों में उत्साह भी आ गया, लेकिन सामने फिर ऑफिशियल का माइंडसेट भी बदलना चाहिए कि बीपीएल कार्ड को अपॉर्चुनिटी कार्ड बोल दिया, डॉग फूडिंग करा दिया, ये टीचर्स हेल्थ वर्कर उनका माइंडसेट आपने चेंज करा दिया, राइट। जो ऑफिसर हैं वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करें, लाइक दैट। तो अपना पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, कि फिजल रिसोर्सिस का डिप्लीशन ना हो, इस प्रकार से डिजाइन इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। इधर हम इकोनॉमिक सर्वे वाले मुद्दे लिख देंगे। फर्स्ट थिंग, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉपुलर परसेप्शन पे नहीं बट डेटा के आधार पे होना चाहिए। ऐसा जो अपना पॉपुलर परसेप्शन क्या है, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने पाया कि केवल 30% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बाकी सब तो कैजुअल और वर्कर्स एंड लेबरर हैं। तो इस हिसाब से फिर मतलब कि पूरा अपना अटेंशन सरकार का या फिजल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर पे हो वो नहीं, बाकी लोगों के पे भी होने चाहिए। इम्प्लीकेशन कैसे, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, पीएसएल आप समझते हैं, बैंक पूरे साल में जितना पैसा लोन में घुमाता है उसका कुछ पोर्शन उसने प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम। बट वी फाइंड दैट एग्रीकल्चर के ये प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोन वो ज्यादातर अमीर किसानों के हाथ में जा रहे हैं कंपेयर टू पुअर फार्मर्स, और हम ये भी पाते हैं कि 30% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट लाइक दैट, तो उस हिसाब से ट्यून अप करिए आप। नेक्स्ट, कोई भी सब्सिडी रिग्रेसिव, मिसडायरेक्टेड या डिस्टॉर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डीजल सब्सिडी आप दे रहे हैं तो पंप सेट से किसान तो लाभ उठा सकता है, लेकिन एसयूवी चलाने वाले अमीर लोग भी लाभ ले रहे हैं। यूरिया सब्सिडी आप देते हैं लेकिन पाते हैं कि उसमें से बहुत सारा तो यूरिया बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर में वहां चला जाता है, कुछ केमिकल कंपनियां भी वो यूरिया लेके वापस उससे कुछ और केमिकल बना रही हैं। हम पाते हैं कि केरोसिन पे सब्सिडी मिल रही है लेकिन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीब नहीं है लेकिन फिर भी उसका फायदा उठा रही है, और बहुत सारा तो वो रिक्शा वाले यूज कर रहे हैं, पेट्रोल एडल्ट्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर तो इस हिसाब से मतलब रिग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, मिसडायरेक्टेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और लेटेस्ट में सरकार क्या सोच रही है कि 10 लाख से ज्यादा जिनकी एनुअल इनकम होगी उनको हम एलपीजी सब्सिडी नहीं देंगे। आगे फिजल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेज और करप्शन के भी सारे अपॉर्चुनिटीज आपने बंद कराने चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं, कोई भी स्कीम के अंदर सोशल ऑडिट का पैरामीटर हो, आईसीटी, ई गवर्नेंस, और जो भी जा रहा है पैसा वो टारगेटेड होना चाहिए, जहां पर आप जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीन चीजों की जेम ट्रिनिटी के आधार पे पैसा दो ताकि लीकेज ना हो, गलत लोग उसका फायदा ना उठा ले। ये भी कुछ चल रहा है कि हमने 2013 से पहल स्कीम चालू की, आप अपना आधार कार्ड सबमिट कराओ और एलपीजी सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। आगे कोई भी स्कीम पॉलिसी स्टेट की लिमिटेड कैपेसिटी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे, आपने बढ़ चढ़ के बोल दिया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करेंगे और देश की 67% आबादी को हम कवर कर लेंगे, लेकिन आप पाते हैं कि अभी तक बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाया और कई राज्यों ने तो उसे लागू भी नहीं किया। अब ऐसा नहीं कि राज्य निकम्मे हैं, बट थिंग इज उनके पास वो इतने पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करे या जल्दी जल्दी कुछ काम कर सके, तो लिमिटेड कैपेसिटी का आपने ध्यान रखना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपने ला दिया कि सभी को मुफ्त में और कंपलसरी शिक्षा देनी है, राइट। बट सामने आप पाते हैं कि राज्य सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ढेर सारे अच्छे परमानेंट टीचर्स को रिक्रूट कर सके, तो वो फिक्स पगार वाले टेम्पररी, और तो बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है। अगेन स्टेट की कैपेसिटी लिमिटेड है। सरकार हेल्थ पॉलिसी लेके आई जहां पर एक प्रावधान था कि राइट टू हेल्थ, अगर आपको हेल्थ राइट डिनाई किया जाएगा देन इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, वहां पर सरकार जाग गई और बोला है कि इट इज वॉलेंटरी फॉर द स्टेट्स, सभी राज्यों ने लागू करना जरूरी नहीं है। अगर कोई राज्य की असेंबली ये बोल दे कि हम नहीं लागू करना चाहते देन दे कैन अवॉइड इट। तो अब सरकार को हाँ ये पता चला कि स्टेट की लिमिटेड कैपेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्य सरकारों को अब ज्यादा डिस्क्रिप्शनरी पावर दें कि वो अपने हिसाब से अपनी सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से स्कीम बना सके। हाँ, 14 फाइनेंस कमीशन ने उसका ध्यान रखा है। आप याद करो, नॉन कंडीशनल ट्रांसफर दिया जा रहा है ढेर सारा पैसा, तो इस सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। देन यू इंश्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये कैसे, अलग अलग मंत्रालय एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो इसे बंद कराने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट विद जीरो बेज बजटिंग। कुछ भी नहीं है, एकदम स्क्रैच से आप नया शुरू करो। ओके, इसके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चाहिए, और जो भी इस प्रकार से बजट बना उसका फिर फीडबैक लूप हो कि एक साल के अंदर
जितना आउटले आपने दिया था, जितना करोड़ पैसा दिया था, उसके सामने कितना आउटकम मिला। अगर ठीक से नहीं मिला तो देन अगेन यू टून अप। तो ये एक काम करो आप, नीति आयोग की ये शिवराज सब पैनल बनी, उसने जो बात बताई 72 को फ्लिप करके 27 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी, फिजल कंसोलिडेशन होगा, ये सारे मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 200 शब्दों में सारी चीजें भी नहीं आएंगी, बट जितना याद रहे आप लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली सवाल में अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पूछा जाए तो आप ये वाले एंगल ज्यादा रख सकते हैं, माइंडसेट वाले को पूछा जाए तो दूसरी चीज रख सकते हैं, लाइक दैट। तो इंट्रोडक्शन कर लिया, पैराग्राफ वन देख लिया, टू देख लिया, आप कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हम क्या करेंगे, ये ऊपर जो भी बात करी उसकी समरी और कुछ एसडीजी या कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल आप रख दो। लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, टू कंक्लूड ए वेलफेयर इंटरवेंशन दैट इज डिजाइंड ऑन, यहां पर स्कीम पॉलिसी ये नहीं, इंटरवेंशन शब्द वो बड़ा है, उसमें सारी चीज आ गई, पॉलिसी भी आ गई, स्कीम भी आ गई, लॉ भी आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी आ गया। तो ये कैसे डिजाइन होनी चाहिए, इट इज विच इज डिजाइंड ऑन द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो अपने आप वो इंथ्यूजियाज्म वाले सारे मुद्दे आ गए, विथ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पार्टिसिपेशन, ये बोल दिया, मतलब वो जो लीकेज और करप्शन हो रहा है वो मुद्दे भी आ गए, वाइल अवॉइडिंग द डिसरप्टिव सब्सिडीज एंड डुप्लीकेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, उसके नाम पे बाकी की चीजें भी आ गई, जो 72 का 27 करना है या सब्सिडीज डिस्टॉर्टिंग द मार्केट तो जेम ट्रिनिटी करना है, वो भी आ गया उसके अंदर। अगर ऐसा किया जाए देन इट कैन एलिसिट मैक्सिमम रिस्पॉन्स विदाउट वेस्टेज ऑफ फिजल रिसोर्सेज, यहां मनी या बजट ऐसा नहीं, फिजल रिसोर्सेज लिखना चाहिए। भाई क्वेश्चन ने बोला है फिजल रिसोर्सेज, तो हाँ आपने आप दिखा सकते हैं कि मैं उसी के हिसाब से चर्चा कर, या फिर कि ये वाक्य को छोड़ के आप ऐसा बोले देन इट विल कन्वर्ट दी आउटलेज इन टू आउटकम्स, जितना पैसा मतलब रिसोर्स जा रहा है तो सामने आउटकम आपको दिखेंगे। यहां पर भी अगर आपको लगे कि भाई ऊपर वाले पैराग्राफ में या 200 शब्द बनाने में मेरे को माल कम पड़ गया, तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आप ज्यादा दो चार पॉइंट लिख सकते हैं कि टारगेटिंग द कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, सेंसिटाइजिंग द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड लाइक दैट, तो मतलब मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। एंड देन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ, अगर हम ऐसा कुछ करें ओनली देन द फ्रूट्स ऑफ वेलफेयर कैन ट्रिकल डाउन टू द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट, कि डीपीएसपी उसके कुछ आप एंगल जोड़ सकते हैं। तो कंक्लूजन इस प्रकार से बन सकता है। यूपीएससी में एक सवाल पूछ लिया है 2013 में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन टू फार्मर एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, क्रिटिकली एनालाइज द एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम विद रेफरेंस टू डिस्टॉर्शन क्रिएटेड बाय। तो हाँ अपने पास एक तो एग्रीकल्चर हमने इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ भी पढ़ा था, तो L5P2 में आपको मान मिल जाएगा और इस पावर पॉइंट में अंदर भी है।